Hello friends, welcome to my channel. My name is Anu. Today I'm going to do my first video, so please ignore if I do any mistakes. Today I'm going to do daily outgoing makeup. So let's get started. So guys, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं और कहीं भी हम जाते हैं तो हमारा सबसे पहला मेकअप करने से पहले सबसे पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो है हमें सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलना चाहिए ताकि हमें कोई यूवी रेज इफेक्ट ना करे. और यहाँ पे मैं न्यूट्रीजीना अल्ट्रा शीट ड्राई टच सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ. ये भी SPF 50 के साथ है तो ये ड्राई टच है तो बहुत ज़्यादा फेस को ऑयली नहीं करता. क्योंकि हमेशा हमें डायरेक्टली सनलाइट में जाना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. हमें कहीं ना कहीं कहीं भी हम जा रहे हैं तो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वेरी मी का पीच मी परफेक्ट. तो ये टिंटेड है तो इसके लिए हमें मॉइस्चराइजर की सॉरी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अप्लाई ऑल ओवर द फेस. उसके बाद नहीं करोगे मेरा मेबेलिन न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट करूंगी अपना मेबेलिन न्यूयॉर्क का स्केच लाइनर. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन न्यूयॉर्क का सुपर कर्ल हाइपर कर्ल मस्कारा. उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और अपने आईब्रोज को भी. तो हमें बहुत ज़्यादा अलग से हमें अपना आईब्रो पेंसिल आईब्रो शेपर लेने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये प्लाइनर. हम अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक लॉन्ग स्टे रहे बहुत ज़्यादा फैले नहीं बाहर नहीं निकले तो आप अपने लिप लाइनर से अपने लिप्स को फिल कर लीजिए. लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग होती है. उसके बाद हम यूजिंग कलर बार का मैट लिप कलर. तो फॉर ब्लशर आई एम यूजिंग माई स्मॉल लिपस्टिक. ये अपने मैं पर्स में भी कैरी करके चलती हूँ बिकॉज हम अलग अलग अपना किट में पाउच में नहीं हर चीज़ कैरी कर सकते हैं. ब्लश हो गया ये हो गया मेरे पास ब्लश पैलेट जो बहुत बड़ी है तो मैं स्मॉल लिपस्टिक रखती हूँ जिसको मैं एज ए ब्लश भी यूज़ कर लेती हूँ.
So guys, this is my overall look. अब काजल भी लगा सकते हैं, मैंने काजल थोड़ा अवॉइड किया बिकॉज मैं डेली बेसिस पे काजल नहीं लगाती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, बिकॉज काजल जब निकलता है तो आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स बन जाते हैं उससे, तो मैं काजल अवॉइड करती हूँ। लेकिन आप काजल लवर हैं तो प्लीज़ आप काजल लगा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं आगे ऐसे और नए नए वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में एक बेल आइकन है और उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरी वीडियो मिस ना हो। तो गाइज, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।